हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस के टेक्निकल खड़का जी। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र की फ़ायदे। दोस्तों ध्यान रहे, आप कोई भी नया फ़ोन लेते हो या कोई भी दूसरा फ़ोन लेते हो, उसमें आप बहुत सारे ऐप इंस्टॉल कर देते हो। तो ऐप इंस्टॉल होने से क्या होता है, रैम भी जाती है। जैसे कि आप फेसबुक डाउनलोड कर लेते हो, तो देखिए दोस्त, क्रोम ब्राउज़र में आपको फेसबुक बिल्कुल फेसबुक जैसा ही ओपन देगा पेज। आप पूरी फैसिलिटी के साथ देगा आपको, जो जो जैसे आपको करना है। तो आप जैसे आप डाउनलोड करते होंगे कोई पेज, जैसे आपने कोई पेज डाउनलोड कर दिया और डाउनलोड कर कोई ऐप डाउनलोड कर दिया, तो वो ये फेसबुक ब्राउज़र जो 100 MB का ऐप है दोस्तों, ये 100 MB का ऐप आपके वेस्ट जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप प्लीज़ गूगल क्रोम ब्राउज़र का यूज कीजिए। इससे आपको फ़ोन की स्पीड भी काफ़ी अच्छी रहेगी और फ़ोन का ब्राउज़र भी बहुत ही स्मूथली से, और आप कोई भी टेक्सचर आसानी से इसमें कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी टेक्सचर पसंद आए, देखिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप कोई भी, मतलब बहुत ही अच्छा इसमें है कॉपी, लिंक, टेक्स्ट, तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है दोस्तों। जरूर रखूंगी और मैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप यूज, मैं पेज खोलता हूं आपको, अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यूट्यूब, यूट्यूब भी आपको बिल्कुल यूट्यूब की तरह ही खुलेगा। वैसे तो सबके फ़ोन में यूट्यूब रहता है। तो देखिए दोस्तों, आपको यूट्यूब भी इसमें मिलेगा। और हाँ दोस्तों, दूसरा फ़ायदा इसका ये चीज़ है कि आप जैसे आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, जैसे आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है जैसे कि यू डेस्कटॉप में जो दिखता है हमें यूट्यूब में, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको तीन डॉट दिख रहे हैं, तीन डॉट में क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये डेस्कटॉप की साइज मिल जाएगी और इसमें आपको अच्छी तरीके से वीडियो देखने के लिए भी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी फीचर है दोस्तों। फिर दूसरा पेज खोलता हूँ दोस्तों, देखिए पेज इसमें बहुत खोल सकते हैं आप, 15, 16, 30, 40, 50, 60 पेज खोल सकते हैं दोस्तों। तो अब मेरे पास जैसे फ्लिपकार्ट है, तो मेरे पास फ्लिपकार्ट ऐप मैंने डाउनलोड नहीं किया है, या मेरे पास MB कम है, तो देखिए आप फ्लिपकार्ट का भी मज़ा ले सकते हैं इसमें। देखिए फ्लिपकार्ट के बिल्कुल जैसे ऐप है वैसे ये खोल के देगा आपको। तो देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल ही वैसे ये खोल के दे रहा है। देखिए तो इसने बिल्कुल फ्लिपकार्ट ऐप जैसा आपका ये खोला है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखिए अब फिर मैं एक और पेज खोलता हूँ, और जैसे कि मुझे अमेजोन चाहिए, तो मैं अमेजोन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर अमेजोन भी आ जाएगा। देखिए तो ये बिल्कुल ऐप, जिस तरह के आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो इंटेल मेमोरी आपकी फुल हो जाती है दोस्तों। तो उससे आपको भी परेशानी होती है और आपके फ़ोन को भी परेशानी होती है। कैसे, आपका फ़ोन में मेमोरी बहुत ज़्यादा भर जाती है और आपके फ़ोन भी हैंग करने लगता है। अब दोस्तों मैं अब दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि आपको फिर पेज खोलिए, आप देखिए आप कुछ भी लिखिए, स्नैपडील भी लिखिए, तो ये देखिए स्नैपडील भी आ गया। तो देखिए स्नैपडील क्लिक करते हमें स्नैपडील आ गया, तो हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर, ये हमें स्नैपडील पे भी ले जाएगा, स्नैपडील की पेज भी। आप इसका शॉर्टकट आइकन भी बनाएंगे, जैसे कि ये शॉप क्लूज पे खुला है, तो मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ, शॉप क्लूज भी आगे देखिए इसमें, शॉप क्लूज की जैसे ही पूरा खुल गया दोस्तों। पढ़ती हूँ, मैं देखती तो हूँ। जैसे मैं बैक किया, मैंने स्नैपडील खुल रहा था, तो देखिए आपको दिख जाएगा इसमें, ये देखिए स्नैपडील का पेज खुल गया, बिल्कुल जैसे स्नैपडील का ऐप होगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फ्यूचर है इसमें क्रोम ब्राउजर दोस्तों, बहुत ही अच्छे, जो मैंने देखा है कि ज़्यादातर फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल रहता है, बस आपको अपडेट करना है क्रोम ब्राउजर और उसकी फैसिलिटी का आनंद लेना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त एस के टेक्निकल खड़का जी, प्लीज़ मेरा दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल कभी सब्सक्राइब आना करने में कुछ कभी ज़्यादा आना। नहीं है, और दोस्तों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे ही आपको नई नई चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा दोस्तों। दोस्तों हाँ ध्यान दें, क्रोम ब्राउज़र में आप कोई भी साइट खोलेंगे तो पूरी ऑन डिटेल के साथ भी ये साइट खोलता है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी बात है क्रोम ब्राउज़र। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये स्नैपडील का ही ऐप है, और दोस्तों ये क्रोम क्रोम ब्राउज़र है। देखिए दोस्तों ये मैंने बैक करती है, क्रोम ब्राउज़र आपको दिखा होगा। तो ओके दोस्तों, मैं आपका दोस्त एच के टेक्निकल